चूहे जल्दी बढ़ जाए बंदे ज्यादा रख ले, बिल्कुल। तो हम कहते हैं आधा खा लो आधा तो ना खाओ, तो 70% खा लो 30% तो लगाओ, तो भी खुश हैं लोग, तो भी खुश हैं। और ये हमें थोड़ी सी अवेयरनेस हुई तो हमने ये चीज़ें देखी, हमें ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिले तो हमें थोड़ा सा अकल आई। बिल्कुल, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि हमें अकल दिलाने के लिए, हमें शऊर दिलाने के लिए, वरना तो ये मामला थे कि 54 ट्रेनें 27 किलोमीटर पर चल रही हैं, ये तो मैं तो कोई ऐलान करने वाला हूँ कुछ 27 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 1 ट्रेन पीछे पीछे चल रही है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अधिकारी और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तानी मेट्रो वर्सेज इंडियन मेट्रो। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो का टाइटल है 2022 पाकिस्तान ऑरेंज मेट्रो वर्सेस दिल्ली मेट्रो नियो, दिल्ली मेट्रो लाइट लाहौर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम का भारत में दिल्ली में आने वाली मेट्रो लाइट सिस्टम से। यहां आपने शायद सुना होगा कुछ समय पहले कि दिल्ली में मेट्रो लाइट सिस्टम बन रहा था, लेकिन बाद में न्यूज ये भी आई थी कि मेट्रो लाइट की जगह शायद दिल्ली में मेट्रो नियो बनेगी। तो ये दोनों आखिर है क्या, और अभी फिलहाल हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसके बारे में जानेंगे। इससे पहले पाकिस्तान के उस मेट्रो सिस्टम को हमने दिल्ली के मेट्रो सिस्टम से कंपेयर किया था, लेकिन वो कंपैरिजन एक तरह से वन साइडेड ही हो गया था क्योंकि दिल्ली मेट्रो बहुत बड़ा है और लाहौर मेट्रो बना भी कुछ समय पहले ही है, और साथ ही दिल्ली के अंदर क्योंकि इस नए मेट्रो नियो सिस्टम को बनाने की प्लानिंग हो रही थी, तो कंपैरिजन के साथ मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बता दूंगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक बात मैं क्लियर कर देता हूं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक्स पर चलनी शुरू हो गई है, जबकि दिल्ली मेट्रो लाइट या मेट्रो नियो जो भी बनेगा उसका कंस्ट्रक्शन अभी भी बाकी है, जो दिल्ली मेट्रो आने वाले समय में शुरू करेगी। तो पहले तो मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूं। दिल्ली में सबसे पहले मेट्रो लाइट बनाने की बात की गई थी 2 सेक्शंस में, कौन से सेक्शन थे, क्या काम था, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन बाद में DMRC ने मेट्रो लाइट के लिए फ्लोट किए गए टेंडर्स कैंसिल कर दिए और मेट्रो नियो एक सेक्शन में चलाने को लेकर इंटरेस्ट दिखाया। भले ही अभी ज्यादा चांसेस मेट्रो नियो के ही हैं, लेकिन मेट्रो लाइट से रिलेटेड भी आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि कौन से 2 सेक्शंस में वो चलनी थी और आखिर मेट्रो नियो इस मेट्रो लाइट से कैसे अलग होगी। लेकिन चलिए शुरुआत हम लोग करेंगे ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से। तो ये पाकिस्तान का लाहौर में पहला मेट्रो ट्रेन सिस्टम है जो कि पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ऑपरेट कर रही है। करीबन 27.1 किलोमीटर लंबा है ये सिस्टम, जिसमें 25.4 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.72 किलोमीटर सिस्टम अंडरग्राउंड बनाया गया है और कुल 26 स्टेशन इस पूरे कॉरिडोर में बनाए गए हैं। नाउ एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये प्रोजेक्ट चाइना के CPAC का पार्ट था, यानी इसमें पैसा पाकिस्तान के साथ साथ चाइना ने भी लगाया है और इसीलिए 2014 में इसके लिए MOU साइन किया गया था और उसके अगले साल चाइना के एक्सिम बैंक से प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्रूव हुआ था और उसी साल इसके पहले फेज के कंस्ट्रक्शन के लिए बिड्स को इनवाइट किया गया और प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया गया। और 2020 में अक्टूबर में प्रोजेक्ट का पूरा ट्रायल रन करके काफी लंबे इंतजार के बाद लाहौर में मेट्रो ट्रेन सिस्टम को जनता के लिए खोल दिया गया। जबकि दिल्ली मेट्रो लाइट सिस्टम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की क्या ही बात करें, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो प्रोजेक्ट अभी खुद ही हिस्ट्री में है। दिल्ली मेट्रो लाइट का मेन आइडिया इसलिए आया था क्योंकि दिल्ली में पॉपुलेशन तो अच्छी खासी है और मेट्रो सिस्टम भी काफी बड़ा है, लेकिन हर जगह पॉइंट पॉइंट तक मेट्रो ट्रेन पहुंचाना जल्दी पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है भी तो फीजिबल या कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। लेकिन वहाँ भी लोगों को अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देनी है, इसीलिए इस मेट्रो लाइट जैसे सिस्टम को कंसिडर किया जाता है। इस सिस्टम को बनाने में मेट्रो ट्रेन बनाने जितना खर्चा नहीं होता, उतनी ज्यादा जमीन की जरूरत भी नहीं पड़ती, साथ ही एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोगों को मिल जाता है और इसीलिए
अगर कोई ऐसी जगह होती है जहाँ मेट्रो ट्रेन सिस्टम को बनाना पॉसिबल या फीजिबल नहीं है तो मेट्रो लाइट एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन मेट्रो नियो उससे भी अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि इसको बनाने में मेट्रो लाइट जितना भी खर्चा नहीं होता है। मेट्रो लाइट काफी हद तक आपको ट्रैम्स जैसे दिखते हैं, जबकि मेट्रो नियो में ये फर्क होता है कि वो लगभग मेट्रो ट्रेन जैसी ही होती है लेकिन वो चलती है रबर टायर्स पर। यानी एक नॉर्मल मेट्रो ट्रेन रबर टायर्स पर नहीं चल सकती लेकिन मेट्रो नियो रबर टायर्स पर चल सकती है। दिल्ली में मेट्रो लाइट सिस्टम की प्लानिंग की बात करें तो दो लाइंस बनाने की इसमें प्लानिंग की गई थी जिसमें टोटल 37 स्टेशंस थे और ये टोटल सिस्टम लेंथ 40.88 किलोमीटर लंबा आंका गया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो पूरी तरह से मेट्रो ट्रेन सिस्टम के लिए दिल्ली में रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट को प्रपोज किया था। चलिए अभी अगर और कुछ चीजों के बारे में जाने मेट्रो ट्रेन की, जो की है पाकिस्तान का लाहौर मेट्रो, तो चीन का एक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरर है चाइनाज CRRC लोकोमोटिव। इन्होंने पाकिस्तान की वो सारी मेट्रो ट्रेन्स बनाई हैं जो कि ऑरेंज लाइन मेट्रो में यूज हो रही हैं। अभी शुरुआत में 27 मेट्रो ट्रेन्स का ऑर्डर दिया गया था जो कि अभी सिस्टम में यूज हो रही हैं और 2025 तक इसको बढ़ा के 54 यानी 54 ट्रेन्स करने का टारगेट रखा गया था। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, वो इसलिए क्योंकि इसके अलावा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और मुझे जानकारी इसलिए चाहिए थी क्योंकि एक 27 किलोमीटर लंबे सेक्शन में 54 ट्रेन्स का कोई काम नहीं है, या फिर तो सेक्शन की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि ऐसी डिमांड तो है नहीं कि एग्जिस्टिंग ट्रेन्स ही काम पड़ने लगी हो सिस्टम में। तो इसमें देखते हैं अभी क्या होता है। वैसे दो मेट्रो लाइंस भी प्रपोज की गई है लाहौर में इस ऑरेंज लाइन मेट्रो सिस्टम के अलावा, जिसमें पहली है ब्लू लाइन जिसका सिस्टम लेंथ 24 किलोमीटर रखा गया है और दूसरी है पर्पल लाइन जो कि 32 किलोमीटर प्रपोज की गई है। वैसे ये प्रोजेक्ट्स अभी सिर्फ प्रपोज हैं तो फिर इनमें कब काम शुरू होगा, क्या काम होगा, इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि लाहौर मेट्रो ट्रेन के सिस्टम में जो पैसा लगाया गया है उसका एक बड़ा अमाउंट लोन के रूप में ही मिला था, जिस वजह से इन नए सिस्टम्स को शुरू करने से पहले काफी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। और प्रपोज किए गए प्रोजेक्ट में और फाइनली बन गए प्रोजेक्ट में बहुत फर्क होता है क्योंकि इसका बढ़िया एग्जाम्पल हमें दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है जहां प्रपोज किए गए मेट्रो लाइट सिस्टम के प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह से लगभग कैंसिल कर अब DMRC मेट्रो नियो की तरफ जा रही है। खैर आपको दिल्ली मेट्रो लाइट की और इन्फॉर्मेशन देता हूं जो कि पहले आ रही थी, जिसमें सबसे पहले बात करें अगर इसकी कॉस्ट की तो करीबन 5587 करोड़ रुपीस का कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था इस प्रोजेक्ट में, जो कि टोटल सिस्टम लेंथ यानी दोनों सेक्शंस को मिला के करीबन 40.88 किलोमीटर बन जाता है, जो उस हिसाब से सही है क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में मेट्रो ट्रेन बनाने का खर्चा इसका 4 गुना या उससे भी ज्यादा हो सकता था। लेकिन मेट्रो नियो बनाने का खर्चा इस पूरे ही सेक्शन में लगभग 2000 करोड़ के आसपास ही आएगा। अभी बात करें अगर दिल्ली के प्रोजेक्ट की कम्प्लीशन की तो अभी मुश्किल है बोलना कि कब तक ये कम्प्लीट होगा क्योंकि अभी तो अप्रूवल में ही टाइम लग जाएगा, लेकिन शायद 2026-27 तक सिस्टम तैयार हो सकता है और ये मेरा पर्सनल एस्टिमेशन है अभी के हिसाब से, जो हो सकता है गलत हो जाए क्योंकि प्रॉब्लम्स तो प्रोजेक्ट में आ ही जाती हैं। और मेट्रो लाइट ने भी एक ऐसा ही प्रॉब्लम देख लिया है शुरू होने से पहले ही बीते नवंबर में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जिसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली में आने वाले प्रोजेक्ट को मेट्रो लाइट बोल के इंडिकेट किया है, तो मैं इसी तरह से आपको डेटा बताऊंगा, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो लाइट में प्रॉब्लम शुरू हो गई है। इसमें हुआ ये है कि साल की शुरुआत में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने दोनों ही प्रपोज्ड कॉरिडोर का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट किया, जिसमें एक कीर्ति नगर से द्वारका वाला सेक्शन था, जिसमें यह बोला जा रहा है कि इसमें कुछ कॉरिडोर एलिवेटेड होगा जबकि कुछ जमीन पर बनेगा। लेकिन कौन से सेक्शन का कितना कॉरिडोर एलिवेटेड और कितना जमीन पे होगा इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूर है कि एक कॉरिडोर कीर्ति नगर के कमर्शियल एरिया से निकल रहा है जहां होलसेल टिम्बर फर्नीचर प्लास्टिक और मार्बल मार्केट्स आपको मिल जाएंगी। और ट्रेडर्स को अब इस बात का प्रॉब्लम है कि अगर कॉरिडोर एग्जिस्टिंग रोड पर बन गया तो वो उनके बिजनेस को बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। उन लोगों ने ये क्लेम किया है कि रोड अभी लिमिटेड है, तो अगर ये कॉरिडोर रोड पर बनता है तो दोनों तरफ गवर्नमेंट जमीन भी एक्वायर करेगी और उसको बनाते वक्त भी रोड पर काम चलता रहेगा और इससे ऑटोमेटिकली अभी जो मार्केट काफी भरा रहता है यहाँ कस्टमर्स कम हो जाएंगे, यानी एक तरह से उनको अपने बिजनेस पर खतरा दिख रहा है। वैसे ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है कि कॉरिडोर कैसा बनेगा, लेकिन अगर एलिवेटेड बना भी तब भी काम तो होगा, यानी तब भी रोड तो ऑक्यूपाइड रहेगी और यही चीज वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम लग रही है।
खैर ये अब तो वहाँ के लोगों और गवर्नमेंट के बीच की बात है, अभी तो रिपोर्ट सबमिट हुई है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी आपको और इन्फॉर्मेशन दूं दिल्ली के इस प्रोजेक्ट की थोड़ी बहुत जो मुझे मिली है, तो इसमें एक लाइन के अंदर शायद 29 ट्रेन चलाई जाएंगी। एक ट्रेन में करीबन 3 कोचेस होंगे और टॉप स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो की ठीक है, नॉर्मली इतनी ही होती है, और इसको एवरेज 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास ही चलाया जाएगा। बाकी जहाँ तक बात है टिकट प्राइस वगैरह की, तो इसमें तो अभी कोई जानकारी नहीं है, जब ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होगा तभी जनरली ये सब इन्फॉर्मेशन बाहर आती हैं। लेकिन फेयर कलेक्शन यानी टिकट सिस्टम, इसमें आपको काफी हद तक एडवांस मिलेगा। यहाँ पर नॉर्मली एक QR कोड को स्कैन करके ही आप एंट्री और एग्जिट कर पाओगे और आपका टिकट फेयर वहाँ से कट जाएगा। बाकी एग्जैक्टली कैसे गवर्नमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये तो जब सारी डिटेल्स बाहर आ जाएंगी तभी पता चलेगा। और बाकी ऑरेंज मेट्रो ट्रेन का भी यही इन्फॉर्मेशन है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ज्यादा डिटेल में मैंने दिल्ली मेट्रो और इसके कंपैरिजन वाली वीडियो में दी है, जिसको आप चाहो तो इसके बाद देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक छोड़ दूंगा। लेकिन एक काफी मस्त चीज है लाहौर मेट्रो ट्रेन के ऑरेंज सिस्टम में, बेसिकली जो एनियंस है उनके लिए मस्त होगी, क्योंकि ये चीज उससे ट्रेन सिस्टम अलग है, और वो है उनका टिकट प्राइस, जो कि ऑरेंज लाइन मेट्रो में 40 रुपए रखा गया है, और ये फिक्स है। यानी जैसे इंडिया में आप जितना मेट्रो में ट्रेवल करते हो आपको उतना ही पैसा देना होता है, और दिल्ली में शायद दिल्ली मेट्रो नहीं हो या फिर मेट्रो लाइट अगर दिल्ली मेट्रो इम्प्लीमेंट करेगी तो वहां पर भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान वाले मेट्रो सिस्टम में आपको 40 रुपए देने ही पड़ेंगे, चाहे आप अगले ही स्टेशन पर उतर जाओ या फिर मेट्रो लाइन के बिल्कुल एंड तक जाओ। वैसे आपको कैसा लगा ये सिस्टम? मतलब अच्छा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट है, कोई लफड़ेबाजी नहीं है कि बार बार ही चेक करना पड़े कि कितना डिस्टेंस का कितना पैसा लग रहा है, या फिर इंडिया वाला सिस्टम ही सही है कि अगर कम ट्रेवल करोगे तो कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी दिल्ली मेट्रो लाइट, या कहें तो दिल्ली मेट्रो नियो, जिसके बारे में अब DMRC सोच रही है इसकी इन्फॉर्मेशन की। इतनी इन्फॉर्मेशन अभी इस प्रोजेक्ट में थी ही नहीं कि उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाता, और लास्ट दिल्ली मेट्रो और लाहौर मेट्रो के कंपैरिजन वीडियो से काफी लोग चाहते भी थे कि किसी नॉर्मल बराबर वाले मेट्रो सिस्टम से लाहौर मेट्रो को कंपेयर किया जाए। वैसे कानपुर मेट्रो, पुणे मेट्रो, आगरा मेट्रो, ऐसी कुछ मेट्रो सिस्टम है जो कि या तो कंप्लीट हो गए हैं या बस इंडिया में कंप्लीट होने वाले हैं, तो इनसे भी कंपेयर किया जा सकता था। लेकिन मैं आपको दिल्ली के भी इस प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, इसीलिए इस कंपैरिजन में इस प्रोजेक्ट को डाल दिया है। बाकी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अगर कोई नया इंटरेस्टिंग कंपैरिजन टॉपिक है आपके पास में तो उसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो बस अभी के लिए इसी वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, मुझे ये वाला आइडिया बहुत अच्छा लगा कि जहाँ पर आइडिया उन्होंने अपने, अच्छा देखो इनकी ईमानदारी देखें। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि इनकी ईमानदारी देखें। एक तो आइडिया कैंसिल हुआ, ठीक है, कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होने को मैं कह रहा हूँ कि इनकी अपने काम को रिजेक्ट करना भी देखें, कि ये भी हिम्मत की बात है। एक अपना होता है ना अना, कि नहीं यार हमने ये प्रोजेक्ट ओके कर दिया है अब यही तो यही होना है। जब उन्होंने फिजिबिलिटी बनाई, जब उन्होंने प्रैक्टिकल करना शुरू किया, जब उन्होंने ज़मीन देखी, लोकेशन देखी, तो उन्होंने ये सोचा कि यार इससे बेहतर तो ये है, ठीक है ना। तो दिल्ली जैसे सिटी में मेट्रो चलाना उन्हें ज़्यादा वो लग रहा था कि यार छोटी जगह हैं, छोटे रोड्स हैं, आसपास की मार्केटों में भी प्रॉब्लम होंगी, तो उसके लिए फिर उन्होंने नया आइडिया जहन में लाए, मेट्रो न्यू। अच्छा, पाकिस्तान वाला जो ये था प्राइस वाला, इस पर आप क्या कहेंगी कि 40 रुपये फिक्स प्राइस बेहतर है या जिसने जितना सफ़र करना है उस हिसाब से वो प्राइस कैलकुलेट हो, आपके जहन में क्या बेहतर है? क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है कि 5-5 रुपये पे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लड़ते हैं। क्या है कि टिकट वाले से अक्सर बहस हो रही होती है कि मैं तो यहाँ से बैठा हूँ, बसों में, चिन चीज़ में, कि मैं तो यहाँ से बैठा हूँ, मेरा तो इतना किराया बनता है, वो कहता नहीं इतना हो गया, लड़ते हैं। तो आप फिक्स, फिर मैं बोलूंगी फिक्स कि मैं तो ज्यादती है ना, अगर कोई अगले स्टॉप पे उतर रहा है तो आप उससे 40 रुपीज़ ले रहे हो तो गलत है। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी देखा जाए कि इसी लड़ाई झगड़े से बचने के लिए उन्होंने 40 रुपये मुनासिब एक फीस रख के, यानी कि 25-30 तो नॉर्मल वो स्टॉप वाइज कर दिया। अच्छा नहीं ना, मैं आपको एक बात बताऊं, 25 और 30 रुपये तो आपको खटारा बस के देने पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ पे 30 रुपये 25 रुपये रेंट बस के ऊपर चढ़े और थोड़ा आगे उतर जाए 25-30 तो है। तो उन्होंने फिक्स 40 ही कर दिया कि 60 हम किसी से ना लें, 70 ना लें, 20-25 भी ना लें, हम 40 ही बीच का एक रख लें। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है, तो अब बताएं कौन सा बेहतर है? खास लेना ज़्यादा बेहतर
खांस लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपने क्यों खाई इतनी बिरयानी चिकनी चिकनी ऑयल वाली जिसकी वजह से आपको खांसी हो गई? ये जो विंड्स है ना, ये हमारे साइड पे आपको पता है सर्दी कितनी ज़्यादा है। बिल्कुल सर्दी की तबियत उसी से ख़राब हो गई, लेकिन ये कि जल्दी ठीक हो जाएगी। मौसम भी चेंज हो रहा है अब तो, जाती सर्दी है ना, जनवरी जो है वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों डेंजरस है। तो आती सर्दी तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन जाती सर्दी मुझे छोड़ नहीं रही है। तो ये भी ठीक हो जाएगा, सर्दी अपने बदले ले। और अंडा खाएं, सूप पिए, अंडे खाए, सूप पिए। हमारे यहाँ कुछ भी प्योर नहीं है ना, पता नहीं अंडे के नाम मैंने क्या खाया। अच्छा, किस बात पे हमें याद आया था? हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि 27 किलोमीटर के लिए 54 मेट्रो। मैं वही तो सोच रही हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है? हम लोग क्या है, हम लोग, हमारे पास इतना एक्स्ट्रा पैसा है, एक तरफ हम कर्जे ले रहे हैं, एक तरफ हम परेशान हैं, और 27 किलोमीटर पे मैं कहता हूँ 10 मेट्रो भी बहुत थी, बहुत थी, 5-6 मेट्रो भी बहुत, 27 किलो मेरे हिसाब से काफी थी। बहुत लगा लो, हाँ, तो शाहाना लगा लो, शाहाना लगा लो। ये क्या लोग हैं, 54 मेट्रो। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, 54 यानी कि 54 माय गॉड, मतलब मेरे साथ बड़ा पाकिस्तान में इनको भेज देना। नहीं, वो क्या कहते हैं, दाल में घोटाला है कुछ, हाँ, दाल में बहुत बड़ा घोटाला, 100% दाल में काला है, 100%। आपको पता है, मैंने एक चीज और भी मतलब अजीबोगरीब चीजें सुनी है कि हमारे यहाँ पर गंदुम बाहर बेची जाती है, फिर वही गंदुम मतलब दो मरतबा घोटाला, यानी कि बेचने पे कमीशन ले लिया। अच्छा, बेच के उन्हें, हमारे पास तो बहुत गंदम है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा भाई, गंदम उतर चुकी है, गंदम अब कम हो रही है, जो जखीरा था अब गंदम चाहिए, तो चाहिए। अच्छा, जब बनी थी ना तो इतनी थी कि हमने बेचनी है। जबकि ये नहीं है कि हमारी जरूरत से ज़्यादा है ना, तो हमें बेचनी है, एक्सपोर्ट करनी नहीं। एक वक्त होता है कि आपकी 2 से 3 महीने में वो गंदम ख़त्म होनी है, क्योंकि गंदम आटा जो है हमारे यहाँ बहुत चलता है, तो आपको 3-2 महीने बाद वो ख़रीदनी है, तो आप वही गंदम अपने मुल्क में क्यों नहीं रख रहे, एक्सपोर्ट क्यों कर रहे? तो वो कहते हैं कि बेचने में भी खांचा तो लेने में भी खांचा, मतलब हम ये मिसकैलकुलेशन, मतलब इतना अंधेर नगरी, आई एम स्पीचलेस। मैं मतलब इतना, मतलब कोई पूछ इसको देखा दोबारा लेना टैक्सेस के साथ, ये क्या कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी नहीं है, अंधा कानून। अच्छा, एक और जो नेस्ला टावर के बारे में आपने सुना था ना कि वो टूट गया और ये हो गया वो हो गया, थोड़ा सा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग कराची में बनी, बहुत वायरल हुई उसकी वीडियोस, बहुत वायरल हुई जगह जगह, मतलब यूट्यूबर्स ने उनकी वीडियोस बनाई। आपको पता है, लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उसमें लगी। अच्छा, बिल्डर का मामला, प्लाट थोड़ा सा आगे निकल आया, कोर्ट में केस चला गया, तो एक आदमी ने 2-3 करोड़ रुपये जमा करके एक फ्लैट लिया, अब उधार भी लिया होगा, जेवर बेचा होगा, कुछ भी करके एक बंदे ने एक ज़िंदगी भर के लिए एक फैसला किया कि मैं एक फ़्लैट ले रहा हूँ महंगी तरीन जगह पर, और हुकूमत ऑर्डर दे दे कि अभी टूट रहा है, आप कहाँ खड़े हैं? बिल्डर तो आपको पता क्या कहेगा, जब होगा जब दे देंगे, हम हुकूमत से ही लेंगे, जो मिला आपको इनिशिएटिव मिल जाएगा जो भी है। आपको पता क्या कहानी, एक बंदा बता रहा था, मैं हैरान हो गया। अच्छा, ये बहुत वायरल हुआ नेस्ला टावर, बहुत एहतजाज हुए, बहुत से लोगों ने समझाने की कोशिश की, रोक दो, पैसे ले लो, जो रोड पे जगह निकली हुई है आपके सड़क पे आ रही है उसके ले लो, लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, खुदकुशियां कर लेंगे लोग। क्या पता है, एक बंदे ने अंदर की बात बताई, क्या वो अभी किसी न्यूज़ पे कहीं भी पाकिस्तान में ये चीज़ शो नहीं हुई, बंदे ने बोला जो जज था वो किसी ज़माने में वकील था, उसकी कोई यहाँ पे सेटिंग थी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी इस बिल्डर के साथ, वो बता रहा है ये जाती मामला थे, किसी की दुश्मनी थी। तो आप अब जाके, वो जो वकील था वो अब जाके जज बना है, उसने वो बदला लिया, तो अब वो बदला ले रहा है, वो सालों पुराना बदला। अच्छा, इसके अलावा 4-5 बिल्डिंगों के नाम और भी आए हुए, उन बिल्डिंगों पे कोई इशू नहीं हुआ, यही सबसे पहले टारगेट किया, तो इसका मतलब यकीन है ना ये पर्सनल कुछ ग्रज़, तो पर्सनल मामले। खैर, बहरहाल बहुत अफसोस हुआ था, बहुत पूरा कराची दुखी था, सबको अफसोस हो रहा था कि किसी का घर है, लेकिन मैं आई एम स्टिल देयर, ये 54 बसें, 54 मेट्रो, ये तो 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर। अच्छा, एक और बात है,
कि हम पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है इस चीज़ का। मुझे वीडियो से पता चला तो आवाम को जब पता ही, अच्छा इसका मतलब हमारा टैक्स कहाँ जा रहा है। अच्छा पता है, आपको पता है पाकिस्तान में सबसे अच्छा जो सूबा समझा जाता है ना, जहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे हम ये मानते चलते थोड़ा बेहतर मानकर चलते हैं, सिंध के लोग जो है ना वो मानकर ये चलते हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट अगर खाती है तो लगाती भी है। पंजाब के जो मिनिस्टर्स हैं वो देखते हैं। अच्छा, इस पे लोग खुश हैं कि खाते हैं तो लगाते हैं। मतलब खुश है, मतलब करप्शन की और हमारे सबर की और एक माइंड जो बना हुआ है उसकी इंतहा देखें कि लोग बड़े खुशी से कहते हैं अगर नवाज शरीफ खा रहा है तो लगा, मतलब ठीक है खाओ। नहीं, हमें लगता है उनका हक है, मतलब हद है। अच्छा, वो आपने मिसाल तो बताई थी, ये तो हमें थोड़ा जल्दी पड़ जाए, हम ये कहते हैं आधा खा लो आधा लगा दो। हाँ, वो जो जूते जूतों वाली आपने कहानी सुनाई थी। हाँ, कि जूते जल्दी पड़ जाए बंदे ज्यादा रख ले, तो हम कहते हैं आधा खा लो आधा तो लगा, तो 70% खा लो 30% तो लगाओ, तो भी खुश हैं लोग, तो भी खुश हैं। और ये हमें थोड़ी सी अवेयरनेस हुई तो हमने ये चीज़ें देखी, हमें ऐसी वीडियो देखने को मिले तो हमें थोड़ा सा अकल आई। बिल्कुल, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है कि हमें अकल दिलाने के लिए, हमें शऊर दिलाने के लिए, वरना तो ये मामला थे कि 54 ट्रेनें 27 किलोमीटर पर चल रही हैं, ये तो मैं तो कोई ऐलान करने वाला हूँ कुछ 27 किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 1 ट्रेन पीछे पीछे चल रही, आपको बताता हूँ, मेरे जहन में एक लतीफा आ गया है, जोक आ गया, लतीफा कहते हैं जोक को, ये भी एक जोक था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जोक से ही बोला, मैंने एक लतीफ़ा जहन में आया कि हम पाकिस्तानी बहुत ज़हीन हैं, हम एक्स्ट्रा लेके रख रहे हैं, ख़राब हो जाएगी 27 किलोमीटर के लिए हमने चम्मच लेके रखी है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, मतलब कितनी ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी सोच, मतलब एमरजेंसी अगर ख़राब हो जाए तो आवाम परेशान ना बस 27 किलोमीटर के दौरान परेशान ना हो, बाकी पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। ये चम्मच आप जगह जगह बांट दो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहीं और चला दो, डिफरेंट सिटीज़ में चला, कुछ और प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं। और पहली बात तो ये है कि जिस मेट्रो प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है मेट्रो ट्रेन का, वही अगर टोटल लोन पे है तो फिर उसकी ज़रूरत क्या है, आप अपने मुल्क को डुबाए जा रहे हो तो मजाक तो अपनी जगह, लेकिन वाकई जिस तरीके से हमें नॉलेज मिल रही है वो अमेजिंग है, और मैं कहता हूँ वाकई हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, हो क्या रहा है, वीडियो में भी उन्होंने मेंशन किया कि मैंने बहुत ढूंढा, मुझे बहुत सारी, मतलब मुझे मिल जाए नॉलेज, मुझे पता चल जाए, तो ये अभी तक बिल्कुल ढका छुपा मामला है। कहाँ से छुपाएंगे, वो क्यों बताएं, वो उनके पास खुद जवाब नहीं होगा तो वो क्या छुपाएंगे, ऊपर के मामले हैं, अंदर के मामले, अंदर की बात अंदर ही रहने दो वरना मसला हो जाएगा। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो, और जितना हो सके इन भैया का चैनल भी सब्सक्राइब करें क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं रिसर्च, आपको पता है जब इनको चीज़ नहीं मिल रही होगी तो इन्होंने कितनी नॉलेज, मतलब कितनी रिसर्च की होगी वेबसाइट, तो बाकी बहुत ही मतलब क्रेडिट बनता है इनका। तो हमारी वीडियो को लाइक तो करें, साथ साथ इनकी ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे दे दिया गया है, उस पर भी जाके उनको भी लाइक करें, जितना हो सके इनको शेयर करें, इनकी हमसे ज़्यादा इनकी मेहनत है, मैं कहता हूँ। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।